तहसील मंडी के प्लेरा इलाके में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में दो जवान लुकमय अजल बन गए हैं, जबकि इस गाड़ी में एक बच्चा भी सवार था जो मामूली जख्मी हुआ है। सरकारी जराया के मुताबिक एक एल्टो गाड़ी जेरे नंबर JK12C6052 प्लेरा कलर इलाके में सड़क से बहुत ज्यादा नीचे जा गिरी, जिसके बाद मुकामी लोगों की जानिब से बच्चे समेत तीनों को सब जिला अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दो अफराद को मुर्दा करार दिया, जबकि बच्चे को इस हादसे में मामूली चोट आई थी, जिसका इलाज करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। ऑफिशियल्स की जानिब से मरने वाले इन दोनों जवानों की शनाख्त 40 साल मोहम्मद सादिक वल्द मोहम्मद अकबर और 38 साल मोहम्मद जमील वल्द मोहम्मद अयूब के बतौर करवाई गई है, और जो मोहम्मद सादिक के बेटे इस गाड़ी में सवार थे उनकी शनाख्त नईमुल सादिक के बतौर की गई है। इनका ताल्लुक तहसील मंडी के प्लेरा इलाके से है। डॉक्टर कयूम के मुताबिक लीगल फॉर्मेलिटी सर अंजाम देने के बाद डेड बॉडीज को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए वुरसा के हवाले कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मामले का कॉग्निजेंस किया है। मोहम्मद सादिक के हवाले से बताया जा रहा है कि ये पुलिस महकमा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और उसी से इनकी फैमिली का गुजर बसर होता था, जबकि मोहम्मद जमील एक ऑटो ड्राइवर थे जिन दोनों ने इस अलमनाक सड़क हादसे में अपनी जानें गंवा दी। देखिए पुंछ टाइम्स की ये रिपोर्ट। कि यहाँ पे कोई 11:40 पे दो जो हैं ब्रॉड डेड यहाँ पे लाए, एक पेशेंट की एज होगी कोई 40 ईयर अप्रॉक्सीमेटली और एक की होगी 35 ईयर। एक छोटा बच्चा माइनर लाया था जिसकी एज 4 से 5 साल होगी, उसको माइनर इंजरी थी एब्रेजन मार्क्स से, उसको फर्स्ट एड देने के बाद हमने जो है घर भेज दिया। दूसरे दोनों जो हैं ब्रॉड डेड, दोनों को हेड इंजरी थी, एक को जो है हॉस्पिटल रीजन में हेड इंजरी थी और दूसरे को नेक फ्रैक्चर और हेड इंजरी प्लस चेस्ट ट्रामा था। उसकी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद दोनों को हमने बॉडी जो है वो पुलिस के हैंडओवर कर दिए लास्ट राइट के लिए।